वैशाली जैन, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रायंगुलर नंबर्स की, यानी त्रिकोणीय संख्याएं क्या होती है। आप सभी ने अभाज्य संख्या प्राइम नंबर सुना होगा, होल नंबर सुना होगा, नेचुरल नंबर सुना होगा, को प्राइम नंबर सुना होगा, लेकिन ये क्या आ गई? नहीं, त्रिकोणीय संख्या ट्रायंगुलर नंबर, ये कहाँ से आ गया? तो आज इस वीडियो में बात करेंगे ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, कैसे आप उनको निकाल सकते हैं, निकालते हैं, क्योंकि आजकल एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाली है, छोटी सी वीडियो है। तो देखिए, अगर मैं बात करती हूँ ट्रायंगुलर नंबर, त्रिकोणीय संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं से हम ट्रायंगल बना सकते हैं, ट्रायंगल यानी त्रिभुज बना सकते हैं, इसीलिए इनका नाम ट्रायंगल, ट्रायंगुलर नंबर यानी त्रिकोणीय संख्याएं पड़ा है। क्यों? क्योंकि जिन संख्याओं से हम त्रिभुज बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मैंने एक डॉट लगाई, मेरा एक त्रिभुज बन जाएगा ना इससे? बिल्कुल बन जाएगा। जब मैंने तीन डॉट लगाई, लेकिन इसके बीच में तो दो डॉट भी आती है ना, मतलब ये क्या है, एक तीन छह दस, मतलब ये चीजों को अगर हम अरेंज करें या डॉट्स इसको बोल दीजिए आप, इनसे क्या बन जाती है आपकी त्रिकोणीय संख्या। जैसे अब बीच में आपका दो आता है, अब मैंने दो डॉट लगाई, क्या इन दो डॉट से मेरा ट्रायंगल बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा ना। तो ये क्या हो जाएगी, ये मेरी त्रिकोणीय संख्या नहीं है, इससे तो ट्रायंगल मेरा बन ही नहीं रहा है। अब आगे चली मैं चार, क्या चार से बन जाएगा? क्या नहीं। पांच से बन जाएगा? क्या नहीं। छह से बन जाएगा? बिल्कुल। देखिए, छह से आपका ये यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर आपका ट्रायंगल बन रहा है। सात से नहीं बनेगा, आठ से नहीं बनेगा, नौ से नहीं बनेगा, दस से बन जाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या पता चला है, ये हमारी ट्रायंगुलर संख्या क्या है, चल रही है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं, यहाँ पर आपसे बोलूं पहली ट्रायंगुलर त्रिकोणीय संख्या कौन सी है, पहली त्रिकोणीय संख्या आप क्या बोलोगे? एक है। मैंने पूछा दूसरी त्रिकोणीय संख्या कौन सी है? तीन जो है त्रिकोणीय संख्या तो है, लेकिन कौन से नंबर की है? तो ये दूसरे नंबर की है। मतलब जैसे अगर मैं बोलूं चार एक सम संख्या तो है, लेकिन चार कौन सी सम संख्या है? दूसरी सम संख्या है ना। सेकंड क्या है, ये सेकंड आपकी इवन नंबर है ना, सेम ऐसे। देखिए तीन क्या है, एक तीन त्रिकोणीय संख्या तो है, लेकिन कौन से नंबर की? ये फर्स्ट है। ये क्या है, यानी इसको हम टी वन बोलते हैं, है ना, त्रिकोणीय है तो यानी इसको हम क्या बोलेंगे, टी वन। पहली त्रिकोणीय संख्या की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगी आपकी, वन होगी। दूसरी त्रिकोणीय संख्या की मैं बात करती हूं तो तीन होगी। तीसरी त्रिकोणीय संख्या आपकी क्या होगी, छह। चौथी त्रिकोणीय संख्या आपकी क्या होगी, दस। ऐसे आपकी आगे जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं पांचवी त्रिकोणीय संख्या बताओ क्या होगी, तो आप कैसे निकालोगे इसका आंसर, कैसे निकालोगे? मैंने आपसे क्या पूछा, पांचवी त्रिकोणीय संख्या बताओ क्या होगी, बता सकते हो? देखिए, अब जैसे हमने यहां पर पहली त्रिकोणीय संख्या निकाली थी, पहली, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n, n प्लस वन अपॉन टू। हमें त्रिकोणीय संख्या निकालनी है तो ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। और ये n क्या होगा, मतलब जैसे tn, हमें tn भी निकालनी है तो n n प्लस वन अपॉन टू, ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे पहली निकालनी है तो n की जगह हम क्या रखेंगे, एक, एक में एक जोड़ेंगे क्या होगा, दो बटे दो, तो ये क्या होगा आपका, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पहली त्रिकोणीय संख्या आपकी एक आ गई। अब मैं बात करती हूँ दूसरी त्रिकोणीय संख्या की, एन क्या होगा हमारा, दूसरी निकालनी है तो दो होगा, यानी दो, दो से नेक्स्ट नंबर तीन बटे दो, तो क्या हो जाएगा, तीसरी तीन आ जाएगी, दूसरी त्रिकोणीय संख्या क्या होगी, तीन। अगर मैं बात करती हूँ तीसरी त्रिकोणीय संख्या की, तो एन क्या होगा, तीन होगा, एन से नेक्स्ट नंबर चार बटे दो, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, छह। सेम ऐसे अगर मैं चौथी की बात करती हूँ तो चार गुणा पांच बटे दो, यानी दस हो गई। अब मैंने आपसे बात करी पांचवी निकाली है, तो पांच गुणा छह बटे दो, पांच से नेक्स्ट नंबर क्या होता है, छह, तो क्या आ जाएगी, पंद्रहवी, क्या मतलब पांचवी त्रिकोणीय संख्या हमारी क्या होगी, पंद्रह होगी। ऐसे ही मैं आगे चलूं, अगर मैं आपसे बोलूं अस्सीवी त्रिकोणीय संख्या बताइए क्या होगी, अब आप ऐसे गिनने तो नहीं बैठोगे ना, एक एक चीज आपसे क्या पूछा है, अस्सी भी पूछी है, 88 पूछी है, यानी 80 गुणा 81
81 बटे 2 यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 40 से इसकी गुणा हो जाएगी 3240 हमारा क्या होगा आंसर होगा। मैं आपसे पूछूं 45वीं बताइए, अगर आपसे पूछे 45वीं त्रिकोणीय संख्या, यही होती है त्रिकोणीय संख्या जिससे त्रिभुज बन जाता है और ये इसको निकालने का मेथड है। देखिए पहली थी, फिर हमने दो डॉट नीचे लगा दी, फिर हमने तीन लगाई, फिर हमने चार लगाई, फिर हमने पांच लगाई, फिर हमने छह लगाई, ऐसे हम करते चले जाते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाती है हमारी त्रिकोणीय संख्या बनती चली जाती है। 45 की अगर मैं बात करूं तो 45 गुणा 46 बटे 2 यानी ये आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पर 45 दिया आपका कितना हो जाएगा 135 होता है, 45 दुनी 90 यानी 1035 क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। 45वीं त्रिकोणीय संख्या आपकी कितनी होगी 1035। क्लियर है, को टॉपिक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है अब आपको। चलिए अब आपको निकालनी है कुछ संख्याएं, त्रिकोणीय संख्याएं भी मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है क्या होगा। त्रिकोणीय संख्याएं यही होती है, यही इस टॉपिक में हमें सीखना था। अगर मैं आपसे पूछूं 20वीं त्रिकोणीय संख्या बताइए और मैं आपसे पूछती हूँ 32वीं त्रिकोणीय संख्या बताइए, आप कोई सी भी त्रिकोणीय संख्या से निकाल सकते हैं, ट्रायंगुलर नंबर आप निकाल सकते हैं, तो आपको क्या बताना है, एक तो 20वीं बतानी है और 32वीं बतानी है क्या होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।